जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। उससे पहले अगर आप ब्रह्मोसॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं वीडियोस प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और इसका क्या सिंटैक्स है। बेसिकली इसमें दो सिंबल रहते हैं, पहला क्वेश्चन मार्क और दूसरा कॉलन। इससे ये कंडीशनल ऑपरेटर कंप्लीट होता है। अगर इसके सिंटैक्स को समझें तो कुछ इस प्रकार से इसका सिंटैक्स रहेगा। क्वेश्चन मार्क से पहले हम कोई सा एक्सप्रेशन देंगे या फिर ये कहें कोई सा कंडीशन देंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पे हम जो भी स्टेटमेंट देंगे ट्रू होने पर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमने स्टेटमेंट टू लिख रखा है कंडीशन के फॉल्स होने पे, जो ये स्टेटमेंट टू लिख रखा है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो काम हम इफ एल्स से करते हैं, जो भी काम इफ एल्स से हम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमको दो नंबर में से, अगर सपोज ए बी दो नंबर है, ठीक है, इसमें अगर हमको ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा है, तो हम क्या करते थे इफ एल्स का यूज करके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, तो हम क्या करते थे प्रिंट, राइट, ए को प्रिंट करने का जो भी सिंटेक्स था वो लिखते थे इल्स बी, यही करते थे हम, इल्स बी, बी को प्रिंट करवाते थे। ठीक है, इस तरीके से इफ इल्स से कंप्लीट होता था। लेकिन अगर सेम इसी प्रोग्राम को हम कंडीशनल ऑपरेटर से कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहां पे हम एक्सप्रेशन दे देंगे, जो भी कंडीशन है वो दे देंगे, और यहां पे ए को प्रिंट करने के लिए कमांड दे देंगे स्टेटमेंट वन, और स्टेटमेंट टू की जगह पे बी को प्रिंट करने के लिए कमांड दे देंगे। इस प्रकार ये एक सिंगल लाइन में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, रिजल्ट ए बी, ठीक है, यहां पे कंडीशन दे दिए ए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ए को सेलेक्ट करो, अदरवाइज बी को सेलेक्ट करो, उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आता है इस कंडीशन का सॉल्व होने के बाद उसको उठा के रिजल्ट में असाइन कर दो। ठीक है, मतलब ए अगर ग्रेटर है तो उसको उठाओ, जो भी उसकी वैल्यू है उसको असाइन कर दो रिजल्ट में, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इज ग्रेटर देन बी, अगर फॉल्स होती है तो बी को उठाओ और रिजल्ट में असाइन कर दो। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का हमको एक प्रोग्राम बनाना है कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके। हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। यहाँ पे हमने ए नाम से क्लास डिक्लेयर कर लिया है और स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया हमने, यस यहाँ पे कैपिटल है, मेन मेथड बना लिया है, स्कैनर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक मैसेज देते हैं प्रिंट होने के लिए, मतलब इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर लेंगे,
सेम ही काम हम एक और वेरिएबल बी के लिए कर लेंगे। कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं बी, यहाँ पे कर देते हैं सेकंड। सेकंड नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बी के लिए भी हमने यूजर से इनपुट करवा लिया। हमारा नेक्स्ट काम क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर को ना तो हम सी एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट सी ठीक है, जो भी हमने सिंटेक्स में समझा। सी नाम से भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे और उसमें असाइन कर रहे हैं जो इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं रेटर नंबर इज प्लस सी, ओके। इसको रन करके देख लेते हैं हम। ए नाम से हमने क्लास बनाया था, उसी के नाम से फाइल को सेव करना रहता है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर 16, सेकंड नंबर ग्रेटर नंबर इज 18, ठीक है। इस प्रकार कंडीशनल ऑपरेटर का ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। इस प्रकार हमने कंडीशनल ऑपरेटर को समझा। इस लेक्चर के दौरान अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आया तो आप हमसे जरूर पूछें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। धन्यवाद।